रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम के बारे में बात करते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कंप्यूटर डेटा स्टोरेज के लिए या किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस के लिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि जब तक पावर इसमें कनेक्टेड रहेगा तब तक डेटा रहेगा। जैसे ही आप पावर हटा देंगे इसमें जो डेटा स्टोर्ड है, क्योंकि ये डेटा स्टोरेज है, वो चला जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसी डिवाइस है जहां पर जब आप लिखेंगे या पढ़ेंगे तो किसी भी, ये आपका रैम है, इसमें किसी भी जगह पे डेटा लिखाओ, यहां लिखाओ चाहे यहां लिखाओ, उसको पढ़ने के लिए सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए, किसी भी जगह स्टोर हो। जबकि अगर हम बाकी इसके साथ जो काउंटर डेटा स्टोरेज डिवाइसेज हैं, जैसे सी डी आर डब्ल्यू है, डी वी डी आर डब्ल्यू है, रीड राइट है, या ओल्ड रैम मेमोरी जो है, इन सब में क्योंकि इसमें मैकेनिकल लिमिटेशन होते थे, ये जैसे मीडिया रोटेशन स्पीड है, आर्म मूवमेंट डिलेज है, इनके कारण यदि आपको डेटा पढ़ना है तो किसी जगह के लिए ज्यादा समय लग रहा है, किसी जगह के लिए कम समय लग रहा है, लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी में ये नहीं है। और चूंकि ये मैकेनिकल, इसमें कोई पार्ट नहीं होता, ये पूरा का पूरा सेमी कंडक्टर मेमोरी है, इसलिए ये हमेशा फास्ट होती है, इसलिए ये फास्ट मेमोरी है। लेकिन हम आगे चल के लास्ट में मैं आपको कैश मेमोरी के बारे में बताऊंगा जो इससे भी फास्टेस्ट है। तो इस पूरे डिस्कशन में मैं कई बार सिम और डिम का उपयोग करूंगा, इसलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े सिम और डिम को जान लें। सिम जो है वो है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, जहां पर इट हैज अ सिंगल लाइन ऑफ कनेक्टर्स, इसमें सिंगल लाइन ऑफ कनेक्टर रहते हैं और कनेक्टर जो है दे आर ऑन ईच साइड ऑफ द बॉर्डर, यानी कि अगर आपके पास इस तरीके से है तो कनेक्टर्स आपको दोनों साइड में मिलेंगे। सिम्स ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट हो गई है, लेकिन जहां तक डिम की बातचीत है, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है ये, इसमें दो लाइन ऑफ कनेक्टर्स होते हैं। और जैसे ये है, इसमें अगर यहां के कनेक्टर हैं, यहां के कनेक्टर हैं, ये जो है वो कनेक्टेड नहीं होते आपस में। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपने सुना है तो DDR, DDR2, DDR3, ये सारे के सारे डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल हैं। इनके बीच में डिफरेंस भी देख लेते हैं। सिम पिंस दोनों साइड के आपस में कनेक्टेड होते हैं, डिम के नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। डिम आपको 64 बिट चैनल प्रोवाइड करता है, जबकि सिम जो है वो 32 बिट चैनल प्रोवाइड करता है। डिम ने वो चीज हटा दी जो सिम में की जाती थी, पेयरिंग ऑफ टू सिम्स, ये अब खत्म हो चुकी है। डिम जो है सिम से की तरह बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं होते, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डिम एक रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी है सिम की, इट इज अ रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी। डायनेमिक रैम देखिए, डी रैम इस तरीके से दिखती है, और डायनेमिक रैम या डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये बहुत पॉपुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इसमें ये स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इसमें होते हैं, जो ये इस टाइप के मेमोरी है जहां पर वन और जीरो स्टोर होते हैं, क्योंकि जहां पर आपका ये स्टोरिंग होती है यहां पर ट्रांजिस्टर है, एक कैपेसिटर्स है, और एक सिंगल चिप जो है ये हजारों की तादाद में कैपेसिटी या लाखों की तादाद में कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर कॉम्बिनेशन अपने इसमें रख सकती है। तो इसलिए डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी सबसे पॉपुलर है और सबसे ज्यादा यूज होती है। अगर हम इंटरनल जाए अपने कंप्यूटर सिस्टम के, तो यहां पर आपकी हार्ड ड्राइव है, ये रैम है। तो सीपीयू जो है उसका मतलब केवल रैम से होता है, वो सीपीयू यहां नहीं जाता है, ये हार्ड ड्राइव के पास नहीं जाता है। तो अगर कोई प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होना होता है तो हार्ड ड्राइव से उठा के वो कहां जाता है, रैम में, और रैम से फिर सीपीयू से लेता है, वो उसे एग्जीक्यूट करता है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है। डी रैम का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, डी रैम जो कंसिडर की जाती है, पहली चीज तो वो लो कॉस्ट है, हाई स्पीड है, और काफी ज्यादा डेटा इसमें स्टोर हो सकता है, बहुत सारी वेराइटीज इसमें अवेलेबल है। जो डेटा स्टोर होता है वो एक बाइट, मतलब मिनिमम जो जाता है वो 1 byte तक जाता है, जैसे 8 bit तक जाता है, और जिस जो उसकी डेप्थ और विड्थ होती है उसकी तरह इसको नाम दिया जाता है, जैसे 1 MB इंटू 4, 256K इंटू 1, इस तरीके से नाम दिया जाता है इसमें। तो डेप्थ और विड्थ जो है वो कोई सेंटीमीटर या फिजिकल साइज में नहीं है, जो ये फिजिकल साइज की बात हो रही है, ऐसा नहीं है, ये बिट्स के टाइप से नापा जाता है, मेजरमेंट इस तरीके से किया जाता है।
और इससे हमें पता नहीं चल सकता कि चिप्स पे क्या लिखा हुआ है, उससे हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है पता करना। कॉन्फ़िगरेशन में आपको ज़रूर मिलेगा। और फिजिकल साइज और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन दे आपस में रिलेटेड नहीं होते, ऐसा नहीं कि बड़ी होगी तो ज़्यादा डेटा आएगा, छोटी होगी तो कम डेटा आएगा, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आपका। बीच में आता है मेमोरी कंट्रोलर चिप। क्यों, किस तरीके से देखिएगा, मेमोरी कंट्रोलर चिप जो है वो फैसिलिटेट करता है डेटा कहाँ से, ये रैम से लेकर सीपीयू तक। तो डेटा पहले एक्सटर्नल बस में आता है, उसके बाद यहाँ पर मतलब रख दिया जाता है, सीपीयू के पास जाता है रैम से। किस तरीके से देखिएगा, ये रैम है, रैम से इसने एमसीसी ने लिया और एमसीसी ने लेके कहाँ दे दिया, एक्सटर्नल बस को, एक्सटर्नल बस से जाता हुआ सीपीयू में पहुंच गया। तो इसे ही हम एमसीसी जो बीच में आता है उसका काम यही है, यहाँ से रैम से लेकर सीपीयू तक देना, जिसे हम मेमोरी कंट्रोलर चिप भी कहते हैं। जो डेटा बस है वो डी रैम के विड्थ से रिलेट करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब बस के बारे में अगर समझें तो एड्रेस बस होता है, डेटा बस होता है, बहुत सारी बसेस होती है, दो तीन इसमें देख लेते हैं। एड्रेस बस जो होती है वो एड्रेस करने के लिए काम होती है रैम के। तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस, जितनी भी नंबर ऑफ लाइन एड्रेस बस में होगी वही आपकी मैक्सिमम रैम को स्पेसिफाई करेगा। जैसे 32 लाइन है तो 2 की घात 32, 2 की पावर 32, 4 GB। 36 लाइन है तो 6 2 की पावर 36, 64 GB। एक्सटर्नल डेटा बस जो होता है ईडीबी, जिसे हम अभी अब से कहेंगे, ये वो जगह है जहां पर डेटा जो एड्रेस किया गया वो रखा जाता है। जैसे अभी भी आपने मेरे पिछले स्लाइड में बताया आपको कि एमसीसी रिट्रीव जिस भी डेटा को करता है रैम से वो ईडीबी में रखा जाता है, जिसे हम एक्सटर्नल डेटा बस कहते हैं। फिर ये जो विड्थ ऑफ द डेटा बस है, ये डेटा बस की जो विड्थ है वो आपको ये डिक्टेट करती है कि रैम की विड्थ क्या होगी। उसके बाद आता है एफएसबी यानी फ्रंट साइड बस, ये एक्सटर्नल डेटा बस की ही तरह है, ईडीबी की तरह। फिर आता है बैक साइड बस, ये क्या करता है, ये कैश को एक्सेस करने के काम में आता है। डीरैम्स की स्टिक्स देखिए किस तरीके से है, आपने अच्छी तरीके से देखा होगा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसको। ये आपका रैम है जो कंप्यूटर सिस्टम में लगता है, ये जो रैम है आपका लैपटॉप सिस्टम्स में लगता है। अब बीच में कुछ शब्द जरूर आएंगे, अगर आप बताते हैं कि मुझे रैम आती है तो आपसे कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं या कुछ आपको जानना बहुत आवश्यक है, जैसे कि बैंकिंग। अब ये डी रैम है आपके पास, ये डी रैम है और ये आपके पास ईडीबी है, ईडीबी एक्सटर्नल डेटा बस। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए मैच करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेटा इसमें आ रहा है वही इसमें जाएगा, तो लाइनें और विड्थ, इसकी लाइनों की विड्थ और आपको बराबर करनी होगी, तो इसी को बराबर करने का नाम होता है बैंकिंग। तो कंबाइनिंग द विड्थ ऑफ डी रैम टू मैच द विड्थ ऑफ द एक्सटर्नल डेटा बस इज कॉल्ड बैंकिंग। ये बैंक, क्योंकि डेटा बस, ये दोनों चीजें मैच करनी चाहिए, स्पेसिफिकली बात ये है। तो जितने नंबर ऑफ स्टिक्स दैट कैन मेक अप अ बैंक, ये जितनी भी नंबर ऑफ स्टिक्स चाहिए जो आपको बराबर उसके कर दे, यानी ईडीबी के, तो विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द सीपीयू एक्सटेंडेड डेटा बस। तो अल्टीमेटली यहाँ बैंकिंग की पूरी बात ये हो रही है कि आपके पास डी रैम है और आपके पास ईडीबी है, दोनों को मैच करने के लिए जितना आपको चाहिए वो आपको बैंकिंग कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर ईडीबी है 64 बिट्स का, तो आपको दो सिम SIMM सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल चाहिए जो 32 बिट वाइड हो। अगर आपका ईडीबी फिर से अगेन 64 बिट है और आप कहते हैं नहीं मुझे सिम नहीं डिम चाहिए, तो आपको एक डिम चाहिए 64 बिट वाइड का। इस तरीके से बैंकिंग होती है। कंज्यूमर की रैम जो आप यूज करते हैं, मैं यूज करता हूँ, वो कुछ इस तरीके से आती है। अगर आप बाइट में हो तो 8 बिट वाइड होता है इसका, फिर वर्ड बोले तो 16 बिट वाइड है, डबल वर्ड बोलेंगे तो 32 बिट वाइड है, लेकिन हम उसको इस तरीके से नहीं कहते। हम कहते हैं हमें 8 GB की रैम है, हमारे पास 16 GB की रैम है, हमारे पास 500 GB है। वह रैम तो 500 GB की नहीं होगी, लेकिन जीबी के बारे में बता रहा हूँ। तो मैक्सिमम आपके पास जैसे वर्क स्टेशन वगैरह है तो 4 8 GB की आपको मिल जाएगी i7 प्रोसेसर वाली। तो नाम इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी रैम किस तरीके से बोली जाती है। फिर एसडी रैम के बारे में बात करते हैं, ये सिंक्रोनस डायनेमिक रैम होती है। एसडी रैम बस सिंक्रोनस इसलिए है क्योंकि ये क्लॉक से कनेक्टेड होती है। सिंक्रोनाइज जो है, सिंक्रोनाइज विद सिस्टम क्लॉक, ये एसडी रैम सिंक्रोनाइज होती है सिस्टम क्लॉक से। एसडी रैम हमेशा डिम होती है, जरूरी नहीं है कि हर डिम एसडी रैम हो, लेकिन एसडी रैम हमेशा डिम होगी, ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होगा।
इसमें बहुत सारे पिन्स होते हैं, इसमें और भी एच डी रैम में स्मॉल आउटलाइन डिम यानी कि 100 डिम होगा। इसको बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये लैपटॉप पे यूज होता है। ये एच डी रैम डी रैम से फास्टर होती है। अब बात आती है आर डी रैम की, ये भी एक रैम है, रैमलेस डी रैम, नई टाइप की रैम है। स्पीड इसकी 800 मेगाहर्ट्ज़ तक चली जाती है। ये स्टिक्स में आती हैं जिन्हें हम RIMM कहते हैं, रैमबस इनलाइन मेमोरी जो मॉड्यूल, जिस तरीके से आपने सिम और डिम देखा। और 184 पिन डेस्कटॉप के लिए आता है, 160 एसओ रिम जो लैपटॉप्स के लिए आता है। तो सारे के सारे जो स्लॉट्स है पॉपुलेट होने चाहिए, अगर पॉपुलेट नहीं है तो उसके लिए एक नई चीज आ गई, वो है कंटिन्यूटी रिम। अनयूज स्लॉट मस्ट हैव अ क्रिम यानी कि कंटिन्यूटी रिम। लेटेंसी का जरूर बात आएगी जब आप रैम के बारे में बात करेंगे, इससे पता चलता है कि कितना स्लो है रैम। अगर आप CL2 बोलेंगे तो ये फास्टर है यानी कि 2 साइकिल में ही काम हो जाएगा। CL3 बोलेंगे तो हाई लेटेंसी यानी कि स्लोअर है, लेटेंसी ज्यादा है, 3 साइकिल लग रहे हैं डेटा को रिट्रीव करने में। इस लेटेंसी को हम कैश की तरह भी, मतलब कैश शब्द आता है इसमें, जिसमें हम इसको लेटेंसी के बारे में बात करते हैं, कैश जो होता है कॉलम एड्रेस स्ट्रोक। अब पैरिटी और ECC, पैरिटी और ECC भी शब्द आएगा। पैरिटी रूडिमेंट्री मेथड था, बहुत ट्रिवियल मेथड था, जिसमें जो एरर है उसको करेक्ट किया नहीं जाता था, केवल डिटेक्ट किया जाता था, पहले था। आज हमारे पास ECC है, एरर करेक्शन कोड। ये स्पेशल टाइप ऑफ रैम है जो हम हाई एंड सिस्टम में यूज करते हैं, और इसमें काफी एडवांस सिस्टम होता है एरर चेकिंग के लिए। डी रैम में ये एरर को करेक्ट कर सकता है, ना कि केवल डिटेक्ट कर सकता है। तो रैम किसी भी साइज की ECC रैम यूज कर सकते हैं, कॉमनली जो है 168 पिन डिम्स है। और मदरबोर्ड का भी डिजाइन थोड़ा इस तरीके से होना चाहिए कि वो ECC रैम को मैच करें। और बफर्ड रजिस्टर रैम, ये भी आपका शब्द आएगा। अगर क्या होता है कि मोस्टली जो मदरबोर्ड है वो 4-6 से ज्यादा सपोर्ट नहीं करते रैम को, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये आउटपुट की प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम आती है अगर 4 से ज्यादा लगाएं, उसके लिए हम एक बफरिंग चिप लगा देते हैं। बफरिंग चिप क्या करेगी, देखिए बफरिंग चिप है, ये तो नॉर्मल है, ये चिप है बफर, तो ये एक इंटरमीडिएटरी रैम और MCC के बीच में काम करता है, जिसे हम बफर्ड या रजिस्टर्ड डी रैम कहते हैं। अब रैम के साथ काम करने के लिए देखिए थोड़ा सा गलत पकड़ा हुआ है इस आदमी ने, ये जो गलत है ये क्यों पकड़ा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज में डैमेज हो सकता है ESD पिन पकड़ लिया डायरेक्ट, यहां पर ना इस तरह पकड़ना चाहिए, थोड़ा इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और क्या आपको रैम चाहिए, जैसे एक डॉक्टर बताता है पेशेंट को कि क्या उससे दवाई चाहिए, ऐसी आपको, आपका अगर कंप्यूटर आपको कुछ तकलीफ में हो आपके, तो आप देख सकते हैं कि क्या दिक्कत हो सकती है, जैसे स्लगीनेस हो, थोड़ा ढीला चल रहा हो, थोड़ा स्लो चल रहा हो जब आप बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, या एक्सेसिव हार्ड डिस्क एक्सेसिंग हो रही हो, डिस्क थ्रैशिंग हो रही है एक्सेसिव पेजिंग के कारण, तब आप बोल सकते हैं कि अरे कहीं रैम तो नहीं कम पड़ गई है, रैम में तो गड़बड़ नहीं है। लेकिन डिस्क थ्रैशिंग जो होता है डिस्क फ्रेगमेंटेशन के कारण हो सकता है, ये तो आप डॉक्टर हैं, आप देख के बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें प्रॉब्लम है। उसके लिए मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा कौन सी चीजें ये बता सकती है। अगर आपके पास कंप्यूटर में OS जो है विंडोज सिस्टम है, तो आप आराम से माई कंप्यूटर या टास्क मैनेजर से जा सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके से रैम दे सकते हैं। माई कंप्यूटर से आपको विंडोज की पॉज ब्रेक की दबाना होगा, टास्क मैनेजर में सीधा कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाएंगे तो आपको ये रैम दिख जाएगी। सही रैम खरीदने जाएंगे तो पहले कैपेसिटी देखिए, बहुत सारे जो आपके मदरबोर्ड है वो एक लिमिट तक हैंडल कर सकते हैं, वो देखिए। एम्प्टी स्लॉट देखिए कितने हैं आपके पास, पता चला आप 4 ले आए, 2 ही एम्प्टी स्लॉट है, तो आप करना क्या पड़ेगा, आपको 256 को, एग्जांपल दे रहा हूं, 656 को 512 हटा के 512 रख दीजिए। CPU-Z भी एक बहुत अच्छा टूल है जो आपको लेटेंसी भी दिखाता है, बात गेटिंग सिस्टम राइट, सिस्टम की बहुत सारी रैम की जो दिक्कतें हैं प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकेशंस ये CPU-Z दिखाता है। डालेंगे कैसे रैम को, अगर आपके पास ये मदरबोर्ड है, ये जो टैब्स होते हैं यहां पर, इनको स्विंग करिए, मतलब इनको खोलिए, इसको बाहर निकालिए, रैम को हल्के से प्रेस करिए, फिर इसको वापस डाल दीजिए, क्लिक कट करके ऐसे आवाज आएगी, बस ये अपना अंदर चला जाएगा। और अगर SO डिम्स डालनी है लैपटॉप में, तो ध्यान रखिएगा कि कोई AC कनेक्शन ना हो, पावर आपके जो बैटरी से निकली हो, आप पैनल से बहुत आराम से उठाइए और यूं प्रेस करिए इसको अंदर की तरफ, फिर क्लिक की आवाज आएगी, आप SO डिम रैम यहाँ पर ला सकते हैं, यहाँ पर भी क्लिक होगी, जो क्लिप्स होगी वो आपकी आवाज करेगी और आपका यहाँ पर इसको जेंटली प्रेस कर देना।
इसको ट्रबल शूट कैसे करेंगे रैम को, उसके लिए आपकी पहले एरर्स दिखनी चाहिए। एरर्स कौन कौन सी हो सकती है? पैरिटी एरर्स हो सकती है, ECC एरर मैसेजेस हो सकते हैं, सिस्टम लॉकअप्स होते हैं, पेज फॉल्ट हो सकता है, BSOD हो सकता है, या फिर आपको अगर एक्चुअल मेमोरी आपकी खराब हो गई थी, पैरिटी एरर एट सम लोकेशन बताएगा, वो लोकेशन हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रैम में आ गई है। कुछ फैंटम एरर्स भी होते हैं, जैसे रैंडम मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, कुछ पावर के कारण, कुछ डस्ट के कारण, कुछ हीट के कारण। रैम को कैसे चेक करेंगे? बस जैसे ही सिस्टम बूट हो रहा होगा या रैम चेक हो रही है, वहीं पे आप उसे रोक लीजिए, आपको बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, एक हॉल्ट करना पड़ेगा आपको। इस तरीके से एरर आता है, कुछ नीले कलर में इस तरीके से दिखाई देगा, समझ जाए कि कुछ मेमोरी एरर है आपका। रैम को टेस्ट कैसे करेंगे? हार्डवेयर रैम टेस्टिंग डिवाइसेस हमारे पास होते हैं। सबसे अच्छा ये है कि आप जो पुरानी है उसको नए से बदल दीजिए, या फिर बेहतरीन चीज़ ये है कि मैम टेस्ट 32 यूज करिए, फ्रीवेयर टूल है, आराम से रैम को टेस्ट कर लीजिए। अच्छा, रैम को खत्म करने से पहले जरा कैश की मैं बात कर लूँ, बस बहुत कम समय लगेगा क्योंकि कैश और रैम बहुत आसपास यूज होती है। तो ये जो है कैश मेमोरी, ये प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में यूज होती है, बफर की तरह। अब ये क्या है, थोड़ा इंटेलिजेंट है। ये क्या करेगा कि जैसे ही इसके पास कोई डेटा आएगा, यानी कि प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में जो भी बातचीत हो रही है, ये अपनी बातचीत अपने पास रख लेगा। मतलब ये क्या करेगा कि जब भी कैश क्या करेगा कि मेन मेमोरी जो प्रोसेसर के पास ले जा रही है, तो वो डेटा अपने पास रख लेगा। अब क्या है कि हमेशा होता क्या है, जैसे आपके दोस्त होंगे या आपके फोन नंबर्स होंगे, आप देखिए उन्हीं फोन नंबर्स बार बार आपके लिस्ट में दिखते रहते हैं, तो वही लोग हैं जिनसे बात करते हो सकता है आपके फोन लिस्ट में 1000 लोग हो, लेकिन कुछ 20-25 लोग ही जिनसे आपकी बात हो रही, तो वो जो 20-25 लोग हैं या 20-25 जो इन्फॉर्मेशन है, वो कैश स्टोर कर लेता है। तो मैं बार बार जो है प्रोसेसर मेन मेमोरी पर्सनल मेमोरी जो मतलब ट्रिप है उसको ये बचा देता है। ठीक, तो प्रोसेसर पहले कैश को देखेगा, उसके बाद मेन मेमोरी पे जाएगा, और कैश ने तो स्टोर कर ही लिया जब मेन मेमोरी के पास है, इसलिए सिस्टम फास्ट हो जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कैशेस आर अवेलेबल, हमारे पास L1 कैश है, L2 कैश है, L3 कैश है। जो मेमोरी स्ट्रक्चर होता है वो हम समझते हैं केवल मेन मेमोरी, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे पास 5 या 6 लेवल स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला 2 लेवल्स हैं वो तो आपके देखिए रजिस्टर्स जो प्रोसेसर की मेमोरी है, L1 कैश जो प्रोसेसर में ही होता है। तो एक तो ये आपका कैश हो गया, मतलब एक मेमोरी हो गई, फिर आपका L1 कैश को अगर छोड़ दिया जाए तो L2 कैश होता है, फिर DRAM होता है, फिर डिस्क होता है। इस तरीके से मेमोरी हायरार्की होती है। जैसे यहां बात करें, पहला लेवल हम मान लें रजिस्टर, दूसरा लेवल मान लें L1 कैश, तो L2 कैश इसके बाद आता है जिसे हम थर्ड लेवल मान सकते हैं, जो मदरबोर्ड में भी होता है। और फोर्थ लेवल L3 कैश, ये L2 कैश के बाद आता है। जो L3 कैश है ये थोड़ा सा स्लो काम करता है, जिस तरीके से आपका यूजुअली इट्स रन स्लोअर देन द प्रोसेसर बट फास्टर देन द मेमोरी, क्योंकि इसीलिए तो इसको कैश कहते हैं, क्योंकि ये मेन मेमोरी से जरूर फास्ट काम करेगा, लेकिन इससे थोड़ा कम काम करेगा। L3 जो है वो आपको मेमोरी में भी मिलेगी, तो फिर अगर आप फोर्थ इसको मान लें तो पांचवें लेवल पर जब पहुंचेंगे तो वो मेन मेमोरी हो जाएगी, और छठवें लेवल पर पहुंचेंगे तो आपको हार्ड ड्राइव, जहां पर आपकी मैच्योर मेमोरी होती है। तो इस तरीके से आप इसको लेवल में बता सकते हैं, कोई भी पूछेगा तो आप ये इस तरीके से लेवल बता सकते हैं। L1, L2, L3, L1 जो होता है प्रोसेसर पे होता है, L1 बाहर होता है, फिर L3 बाहर होता है, और फिर उसके बाद मेमोरी होती है, फिर उसके बाद हार्ड ड्राइव होता है। तो ये मैंने आज बात की रैम के बारे में, होपफुली आपको थोड़ा सा फायदा हुआ होगा। ये बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। थैंक यू सो मच, टेक केयर।